इस वीडियो में आप जानेंगे कि कहां पर रावण की मौत का मातम मनाया जाता है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं द फैक्ट टाइम। भले ही पूरे देश में दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होता है, लेकिन इस देश में ही कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर इन तीनों के पुतलों का दहन नहीं होता। तो कई जगह इन तीनों के साथ साथ शूर्पणखा और ताड़का के पुतलों को भी जलाया जाता है। कई समाज रावण के वंशज मानते हुए इस दिन शोक मनाते हैं, और यह घटना होती है राजस्थान के जोधपुर में। जी हाँ, जहाँ पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के साथ साथ शूर्पणखा और ताड़का के पुतलों को भी दहन किया जाता है। यह परंपरा 4 दशक से चली आ रही है। शूर्पणखा की नाक कटने के बाद उसके भाई रावण ने सीता का हरण किया था। जोधपुर के दवे गोदा समाज के लोग अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं, और इनके परिवार के लोग रावण दहन को देखने भी नहीं जाते। साथ ही इस समाज के लोग श्राद्ध पक्ष में रावण का श्राद्ध भी करते हैं। यहाँ रावण मरता नहीं। जी हाँ, सीकर जिले के खाटू श्याम जी के पास बाय में पिछले 161 साल से दक्षिण भारतीय संस्कृति पर आधारित सजीव विजयदशमी मनाई जाती है। मेले की खास बात यह है कि इसमें रावण के पुतले को जलाया नहीं जाता। यहाँ रामनवमी के खेल मैदान में बने युद्ध स्थल पर राम और रावण की सेनाएं आमने सामने युद्ध करती हैं। त्रयोदशी को दहन। जी हाँ, खाचरियावास का दशहरा त्रयोदशी को मनाया जाता है। प्राचीन समय से खाचरियावास में ये परंपरा चली आ रही है। विजयदशमी पर सभी राज दरबार जयपुर जाकर शस्त्र पूजन करते थे, इस कारण गांव में विजयदशमी का पर्व त्रयोदशी को मनाया जाता है। छाया में होता है बच्चों का मुंडन। जी हाँ, उदयपुर में सिंधी समाज की बिचौलिस्तान पंचायत के अनेक लोग बच्चों का मुंडन संस्कार रावण की छाया में करते हैं। शहर में लगभग 67 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये फैक्ट सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।